आखिरी हफ्ते में मुनावर फारूकी को इग्नोर किया गया क्या? आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की? और आखिरकार मुनावर फारूकी की फैमिली क्यों नहीं आई, जबकि मनारा की बहन, अंकिता की मम्मी और विक्की की भाभी, ईशा के पापा, अभिषेक की मम्मी, तो मुनावर की बहन क्यों नहीं आई? उनकी फैमिली से कोई क्यों नहीं आया? ऐसा भी हो सकता ना कि चलो बहन जो है, जो आई थी, वो बिजी हैं, बिजी थी, पर उनकी फैमिली में और भी लोग हैं जो कि यहाँ पर आ सकते थे, पर क्यों नहीं आए? ये साफ तौर पे नजर आ रहा था कि अंकिता लोखंडे को जो है क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं मेकर्स। कोशिश क्या वो दे ही रहे थे कि अंकिता लोखंडे ऐसी नहीं, वैसी नहीं, जो उनकी सास ने बाहर बात की है वो सही नहीं, वो गलत नहीं, वो ये नहीं, वो नहीं। जो कि अंकिता लोखंडे जितनी हवा में है वो उतनी, उससे भी ज़्यादा हवा में और बढ़ गई। और विक्की को गिल्ट ट्रिप में डालने की मेकर्स ने कोशिश की, क्योंकि अंकिता लोखंडे को जो है ये लोग टॉप टू में लेके आना चाहते हैं। जो भी इमेज एक्चुअली में बनी है अंकिता लोखंडे की इस शो में, उसको क्लियर करने की कोशिश की। अब अगर देखा जाए तो मुनावर फारूकी की लाइफ की कितनी धज्जियां उड़ी। और मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि मुनावर की फैमिली को कांटेक्ट किया गया था, बट उनको एन मौके पे कांटेक्ट किया गया जो कि वो नहीं आ पाए, और वो अजमेर गए हैं कि मुनावर फारूकी के लिए दुआ पढ़ने के लिए कि वो ट्रॉफी जो है डोंगरी जरूर लेके आए। सही बात है, अभी सब लोग दुआएं कर रही हैं मुनावर के लिए, उनकी फैमिली भी दुआ कर रही है, और देखते हैं कि ये दुआ जो है अल्लाह कबूल करता है या नहीं। अब रही बात अब मुनावर फारूकी की, अभी अंकिता लोखंडे ने बर्बाद खुद को किया यहाँ पर, उसकी इमेज क्लियर करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। मुनावर फारूकी को बर्बाद इन लोगों ने किया, मेकर्स ने किया, आयशा खान को बुला के। अब कुछ लोग ये बात बोलेंगे कि आयशा खान तो चली गई, इसके ऊपर बात ही क्या करनी थी। आयशा खान चली गई, इसके ऊपर बात नहीं करनी थी, बट जिस तरीके से मुनावर फारूकी ने टैकल किया इस पूरी सिचुएशन को, जिस तरीके से वो किसी और लड़की का नाम यहाँ पर ड्रैग करके उसका नाम बदनाम नहीं करना चाहते थे, और जब हदें पार हो गई तो उनको उन लड़कियों का नाम लेना पड़ा, जो लड़कियाँ जो है प्लान कर रही हैं मुनावर का नाम खराब करने में, तो उस चीज के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर क्यों नहीं बात की गई, क्यों इग्नोर किया गया? अब उनकी फैमिली नहीं आई, ये भी उनको मौका मिल गया। मुनावर को भी टोटली इग्नोर कर दिया गया। मुनावर को मनारा को लेके क्या टारगेट किया गया है, कितना ज्यादा मुनावर को मनारा को लेके कितना टारगेट किया गया, मुनावर को कितना बुरा भला बोला गया है, कितना गंद बोला गया है, कितनी सारी बातें बोली गई है, तो ये जो मुद्दे हैं इस मुद्दों को क्यों नहीं उठाया गया? क्यों फैमिली राउंड में, क्यों अंकिता के ऊपर पूरा एपिसोड निकाल दिया गया? देखा, मनारा की बहन से बस थोड़ी सी बात की गई, और ईशा के पापा से बस थोड़ी सी बात की गई, स्टार्टिंग में बस हुल देने के लिए अभिषेक की मम्मी से थोड़ी बात कर ली गई। क्या ये पुराने मुर्दे नहीं उखाड़ रहे थे? तो जो नए मुद्दे थे उसको क्यों नहीं उठाया गया? मुनावर फारूकी को क्यों इग्नोर किया गया? ये पता चलता ना, क्योंकि ये लोग अंकिता लोखंडे की इमेज क्लियर करना चाहते हैं, क्लीन चिट देना चाहते हैं, और उसको टॉप टू में लाना चाहते हैं। दिखाई दे गया, पता चल गया? अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो। इसी के साथ लेती हूँ, नमस्कार।